बच्चों, सबसे पहले हम राजेंद्र बाबू निबंध की लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में जानेंगे। 26 मार्च 1907 की होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी कवित्री महादेवी वर्मा, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इन्होंने विवाह के बाद पढ़ाई कुछ अंतराल से फिर शुरू की। वे मिडिल स्तर की परीक्षा में पूरे प्रांत में प्रथम आई और छात्रवृत्ति भी पाई। उच्च शिक्षा के लिए विदेश ना जाकर नारी शिक्षा प्रसार में जुट गई। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। महादेवी की बहुत सी काव्य कृतियां हैं। इनका समस्त काव्य वेदनामय है। काव्य के साथ साथ महादेवी ने उच्च कोटि के गद्य साहित्य की भी रचना की। उन्होंने मुख्य रूप से संस्मरण और रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। महादेवी की रुचि चित्रकला में भी रही। 11 सितंबर 1987 को उनका देहांत हुआ। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्राय सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया था। बच्चों, अगर हम बात करें महादेवी वर्मा जी के रचित गद्य राजेंद्र बाबू की, तो ये एक जीवंत संस्मरण है जो महादेवी द्वारा लिखे संस्मरणों के संग्रह पथ के साथी में से लिया गया है। इस संस्मरण में लेखिका ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताओं को रेखांकित किया है। उनके शरीर की बनावट, वेशभूषा की सादगी, उनका देहातीपन और अस्त व्यस्तता से लेकर उनकी प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता, उनके स्वभाव की कोमलता, कठोरता तथा उनकी गंभीर संवेदना का चित्र लेखिका ने बड़ी भावुकता के साथ किया है। महादेवी जी लिखती हैं, राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यहां बताना कठिन है। महादेवी जी कहती हैं, मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। स्टेशन के एक और तीन पैर वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में, परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से ये जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। तो बच्चों, महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू को प्रथम बार पटना रेलवे स्टेशन पर देखा था। वो लिखती हैं, पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने ना कोई नई रेखा जोड़ी है और ना कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गुलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल होंठ, श्यामल छाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, ग्रामीणों जैसी बड़ी बड़ी मूछें, जो ऊपर के होंठ पर ही नहीं
नीचे के होंठ पर भी रोमिल बालों का आवरण डाले हुए थी। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि को और भी उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट के ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। एक मोजा जूते पर उतर आया था और दूसरा टखने पर घेरा बना रहा था। मिट्टी की परत से ना जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उनके आगे की नोक बाई भौं पर खिसकाई थी और टोपी के कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। अतः जो जहां स्थिति में अटक गया वह वहीं उसी स्थिति में अटका रह गया। महादेवी जी लिखती हैं, राजेंद्र बाबू की मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने उन्हें प्रथम बार देखकर भी ऐसा ही अनुभव किया होगा। बहुत सोचने के उपरांत उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इसी प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। बच्चों, महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। भाई जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता भी व्यवस्था से निर्मित होती थी, किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता का पर्याय थी। दूसरे यदि जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता को देख लें तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, परंतु अपनी अस्त व्यस्तता के प्रकट होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते थे। एक दिन यदि दोनों पैरों में दो भिन्न रंग के मोजे पहने किसी ने उन्हें देख लिया तो उनका संकुचित हो उठना अनिवार्य था, परंतु दूसरे दिन जब वे स्वयं सावधानी से रंग का मिलान करके पहनते तो पहले से भी अधिक अनमिल रंगों को पहन लेते। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यवस्था के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर थे। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो जाता है। भाई चक्रधर जी राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर थे। जब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते,
जब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक फिर अब तक नहीं देखे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर महादेवी जी को सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पोत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बच्चों, महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि राजेंद्र बाबू ने अपनी पोत्रियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए महादेवी वर्मा से अनुरोध किया। महादेवी जी लिखती हैं कि पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गईं और उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की पत्नी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। बच्चों, महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री कहा है, क्योंकि वे बहुत ही सरल, साध्वी, क्षमामयी, सबके प्रति ममता रखने वाली और बहुत लोगों से संबंध निभाने वाली औरत थी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू रूप में पदार्पण किया था। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एक आसन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर वे सीधी खड़ी नहीं हो पाई। बिहार के जमींदार परिवार की वधू और स्वतंत्र युद्ध के अपराजय सेनानी की पत्नी होने का ना उन्हें कभी अहंकार हुआ और ना उनमें कोई मानसिक ग्रंथि ही बनी। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता था। एक दिन या कुछ घंटों ठहरने पर भी वे सबको बुला बुला कर उनका तथा उनके परिवार का कुशल मंगल पूछना ना भूलती थी। घर से अपनी पोत्रियों के लिए लाए मिष्ठान में से, मिष्ठान मतलब मिठाई, मिष्ठान में से प्राय सभी बंट जाता था। देखने वाला ये जान ही नहीं सकता था कि वह सबकी इया अय्या अर्थात दादी नहीं है। महादेवी जी लिखती हैं, गंगा स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्राय जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, सब उनकी ओर से ही गंगा यमुना की भेंट हो जाते। कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती थी, पर वे बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उसका प्राप्य देती चलती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहें। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। महादेवी जी लिखती हैं, उस समय संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था, अतः प्राय किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास से अनुपस्थित होती थी। स्वतंत्रता के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चले गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी के विद्यालयों में भर्ती हो गई।
केवल राजेंद्र बाबू की पौत्रियां ही अपवाद रहीं। राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पोत्रियों के संबंध में चिंता हुई तो उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरा नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है, अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसे रहती आई हैं, उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है। इस शब्द से वह बोध होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा, अनिच्छा या केवल बाहरी दबाव के कारण नहीं करता, अपितु आंतरिक नैतिक प्रेरणा के कारण ही करता है। कर्तव्य अपने कर्म के प्रति निष्ठा को कहते हैं, ना कि विलास को। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया तब वे दिल्ली गई और सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात ना कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी के बने एक दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। सूप छाछ को कहते हैं। सिरकी के सूप सींक के बने हुए अनाज साफ करने वाले छाछ को ही कहते हैं। तो बच्चों, एक दर्जन सूप लाने के लिए उन्होंने महादेवी को बार बार आग्रह किया। राजेंद्र बाबूजी की पत्नी ने उन्हें बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। अब यहां महादेवी जी लिखती हैं कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर ये उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि ना कभी वहां पहुंचा था और ना पहुंचेगा। बच्चों, लेखिका महादेवी वर्मा 12 सूपों का उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची और भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने उन्हें अंक में भर लिया, गोद में भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। महादेवी जी लिखती हैं, संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी ये जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों की भोजन की अपेक्षा अधिक वे साध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं। महादेवी जी लिखती हैं, मुझे आज भी वे संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होंठों पर
बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उपवास अर्थात व्रत की समाप्ति पर कुछ उबले आलू खाते देखकर लेखिका महादेवी वर्मा को हैरानी हुई। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सर स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अजात शत्रु का मतलब जिनका कोई शत्रु ना हो। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? तो बच्चों, ये था महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित निबंध राजेंद्र बाबू।